वेलकम टू आई स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम फिश कट स्कर्ट मरमेड स्टाइल में कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आप देख सकते हैं फिश कट स्कर्ट है, वो एक पैनल से भी बन सकता है, इस तरह से बीच में दो कली लगा के भी बना सकते हैं। और दूसरा है इस तरह से नीचे टेल लगा के, अम्ब्रेला टेल लगा के भी नीचे ऐसे फिश कट स्कर्ट हम बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम फिश कट स्कर्ट बनाएंगे टेल लगा के, अम्ब्रेला कट टेल लगा के इसके साथ हम फिश कट स्कर्ट बनाएंगे। तो मेज़रमेंट हमें चाहिए, सबसे पहले वेस्ट का, फिर हिप राउंड का मेज़रमेंट चाहिए, फिर वेस्ट टू हिप का मेज़रमेंट, वेस्ट टू नी का मेज़रमेंट और टोटल लेंथ, इतना मेज़रमेंट हमें चाहिए। तो ये हमारे मेज़रमेंट है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग और कटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले जो हिप है उसका फोर्थ करके उसमें 4 इंच ऐड करके इतना हमें फोल्ड करना है, और फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ पे 1/2 इंच का सेम अलाउंस हम ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच ऊपर रखेंगे बेल्ट का, और यहाँ से फिर हमारा जो वेस्ट टू नी लेंथ है उसका मेज़रमेंट हम लेंगे 20 इंच पे, और 1/2 इंच सीम अलाउंस के लिए इस तरह से करेंगे। वापस ऊपर 2 इंच बेल्ट का छोड़ के वेस्ट टू हिप का 9 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर 2 इंच पे वापस एक मार्किंग करेंगे, जो हमारी वेस्ट लाइन है उसको एक बार ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें आसानी से शेप मिल सके। यहाँ पे हम जो हमारी वेस्ट है 33 उसका डिवाइडेड 4 करेंगे, तो 8.25 पे एक मार्किंग करेंगे। हिप का मार्किंग करेंगे 10.75 इंच पे इस तरह से, और यहाँ से इन दोनों को इस तरह से जॉइंट करेंगे, तो हमें जो स्कर्ट का नीचे का मार्किंग मिल जाएगा 2 इंच नीचे वाला। जितना हमारा यहाँ पे है उतना ही हमें यहाँ पे लेना है, 1 इंच कम करके यहाँ पे 1 इंच माइनस करेंगे हिप लाइन से, और इसे इस तरह से शेप देंगे। आप 2 इंच भी माइनस कर सकते हैं तो ज़्यादा कर्वी शेप आएगा। यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच सीम अलाउंस छोड़ के एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए कटिंग की। ये देखिए यहाँ की हमारी जो मेज़रमेंट है वो आई है 8.75 इंच, और जो यहाँ पे हमने रखा था 8.25 इंच, तो इतना डिफरेंस आएगा काटने के टाइम पे। तो बेल्ट हमारा इस तरह से शेप में बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो शेप है उसको हम राउंड शेप इस तरह से देंगे, यस इस तरह से हम शेप देंगे और फिर कट कर लेंगे। मैं आगे का और पीछे का अलग अलग कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कपड़ा कम है, सेविंग करना है। आप दोनों पीस एक साथ भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा एक पीस कट हो गया है। मैं उसी तरह से उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग जो है कटिंग का नॉच ले लेंगे स्टिचिंग वाला, यहाँ से वापस एक रख के दूसरा पीस कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों पीस कट हो गए, हम दोनों स्टिचिंग के नॉचेस कर लेंगे। अब हमें इस तरह से कपड़े को डबल में फोल्ड करना है, और इस तरह से इसे अम्ब्रेला में इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमारा स्कर्ट जो कटिंग होगा वो अम्ब्रेला कट में कट होगा। यहाँ से फिर नीचे से हमें इतना मेज़रमेंट लेना है, तो जो आ रहा है 11.5 इंच, तो ये 11.5 इंच हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरह से। तो जहाँ पे 11.5 इंच एडजस्ट हो रहा है वहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ से ऊपर से पूरा इस तरह से मार्किंग करके पूरे में ये मार्किंग ले लेना है। तो यहाँ से हमारा 11.5 इंच आ जाएगा।
तो ये हमारा ऊपर का ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ से हमें इतना मेजरमेंट यहाँ ऊपर से रखना है जितना हमने ये 19 इंच पे हमें रखना है, जो हमारा नी तक का मेजरमेंट है। वहाँ से पर फिर नीचे से टोटल लेंथ लेनी है, वो 38 इंच है। तो इस तरह से हमारा स्कर्ट का लेंथ निकल जाएगा। तो ये जो स्कर्ट का लेंथ हमने निकाला, उसको पूरे इस तरह से राउंड में सेम मेज़रमेंट में हमें ले लेना है। तो इस तरह से हमारी जो नीचे की स्कर्ट है फ्लेयर वाली, वो इस तरह से रेडी हो जाती है। और इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा दो पीस रेडी होगा, आगे का और पीछे का एक साथ हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ से सेल्वेज लाइन हम कट कर लेंगे। हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो सेल्वेज लाइन निकाल लेंगे। और इसे इस तरह से नीचे रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की साइड पे। ये आप देख सकते हैं, इतना आधा इंच इतना ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जॉइंट भी हमने कट कर लिया है। तो ये हमारा कटिंग हो गया है अस्तर के ऊपर। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हम कटिंग करेंगे, सेम पीस रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। मेरा कपड़ा बहुत ही कम है, तो मैं एक एक पीस की कटिंग कर रही हूँ। आप दोनों एक साथ भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक स्कर्ट कट हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा स्कर्ट भी कट कर लेंगे पीछे की साइड का। मेरा जो फैब्रिक है उसमें इस तरह से आप देख सकते हैं डिजाइन बनी हुई है। देखिए, अभी हमें वापस इसका भी फ्लेयर कट करना है। तो अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो आप इसे इस तरह से अम्ब्रेला में कट करिए। आप इस तरह से फोल्ड करके, जैसे हमने अस्तर की जो स्कर्ट थी नीचे वाली फ्लेयर, उसको जैसे कट किया था, वैसे ही आप इसमें भी इस तरह से कट कीजिए। लेकिन क्योंकि मेरे जो फैब्रिक है उसमें इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, तो उसके कारण मेरे डिज़ाइन एक इस तरह से क्रॉस और इस तरह से फिर ऊपर की सीधी हो रही थी, तो मैं इसमें से इस तरह से कटिंग नहीं कर सकती हूँ। तो मैं लेंथ वाइज इस तरह से सीधे कपड़े में से ही फ्लेयर को कट कर रही हूँ। इस तरह से हम डबल फोल्ड में कपड़ा रख देंगे। और आपको जितनी लेंथ रखनी है नीचे से ज़्यादा, उतनी आपको यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देनी है। पूरे राउंड में इस तरह से हम जितनी एक्स्ट्रा हमें लेंथ चाहिए वो हम इस तरह से ऐड कर लेंगे। और इसे कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैं यहाँ से 2 इंच जितना एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। तो जब स्टिचिंग करेंगे तो आगे छोटी छोटी प्लीट्स ले लेंगे। यहाँ पे भी जो जॉइंट है वो पहले से हम इस तरह से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जॉइंट इस तरह से कट हो जाएगा। इसका जो बेल्ट है वो बाद में कट होगा, पहले स्टिचिंग करना पड़ेगा। स्टिचिंग होने के बाद ओरिजिनल वेस्ट और ये जो स्कर्ट रेडी होगा उसका जो वेस्ट है उसके हिसाब से राउंड में बेल्ट कटिंग होगा। अब हम अस्तर को यहाँ से जो फ्लेयर है उसको इस तरह से अलग कर देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से जॉइंट को अटैच कर लेना है। और फिर जो ऊपर का पार्ट है स्कर्ट का, उसके साथ जो नीचे का फ्लेयर का पार्ट है उसको हमें बिल्कुल मिडल में से इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है दोनों को एक के साथ एक। हम स्टिचिंग भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम जॉइंट लगाएंगे फ्लेयर के ऊपर।
तो जॉइंट लगाने के लिए इस तरह से पहले एक स्टिच करेंगे, मैं दोनों कर रही हूँ लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही दिखाऊंगी जिससे आपका टाइम बचे। और फिर यहाँ पे इस तरह से एक ऊपर एक पैर की एक टॉप स्टिच भी करेंगे। तो इस तरह से हमारा आगे और पीछे दोनों अस्तर का जो फ्लेयर है उसमें हमें जॉइंट कर लेना है। अभी जॉइंट करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इसको ट्रिम करना है, जितना भी एक्स्ट्रा होगा आपको इसे इस तरह से ट्रिम करके एक जैसा कर लेना है आगे और पीछे दोनों पार्ट में। तो ये आप देख सकते हैं अभी जो स्कर्ट का ऊपर का पार्ट है उसमें यहाँ पे हम मिडल में नॉच करेंगे, और ये जो स्कर्ट का जो टॉप पार्ट है उसमें यहाँ पे नीचे इस तरह से नॉच करेंगे मिडल का। तो एक दूसरे के साथ मिडल से मिडल का नॉच मैच करके टॉप का स्कर्ट और नीचे का फ्लेयर जो है उसको इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैं दोनों पीस को स्टिच करूंगी। और फिर इस तरह से हमें जितनी भी सीम अलाउंस है वो ऊपर की साइड पे रखनी है, जो स्कर्ट का ऊपर का पार्ट है वहाँ पे रखनी है, और वहाँ पे भी हमें ऐसे एक पैर की स्टिच टॉप स्टिच कर लेनी है। दोनों पीस हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा दोनों लाइनिंग का पीस है वो इस तरह से रेडी हो गया है। देखिए दोनों पीस रेडी है। अभी हम जो मेन फैब्रिक है उसको रेडी करेंगे। तो उसके लिए भी ऊपर के स्कर्ट के पार्ट के साथ नीचे का फ्लेयर का जो पार्ट है उसको हमें इस तरह से स्टिच करके जॉइंट कर लेना है। आप देख सकते हैं इसे हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है यहाँ से यहाँ। तो उसके पहले हमें जो फ्लेयर पे जो जॉइंट आने वाले थे वो जॉइंट को पहले हम लगा लेंगे। तो हम पहले जॉइंट लगा लेते हैं, फ्लेयर के ऊपर आने वाला था और उसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच कर लेंगे। तो आगे और पीछे का जो हमारा फ्लेयर का पार्ट है उसमें जो जॉइंट आएगा वो इस तरह से हमें जॉइंट कंप्लीट कर लेना है। अब इस तरह से ऊपर के स्कर्ट के साथ नीचे का जो फ्लेयर है उसको हमें ऐसे मिडल से मिडल में रख के यहाँ से स्टार्ट करना है। हमें इस साइड से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और हम 2 इंच ज़्यादा कटिंग किया था हमने फ्लेयर, तो छोटी छोटी प्लीट्स लेनी है। ये देख सकते हैं छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है, इतनी प्लेट्स लेनी है कि जिससे हमारा मिडल से मिडल का नॉच मैच हो। इस तरह से हमें इतनी इतनी प्लेट्स लेनी है। आप देख सकते हैं ये मिडल से मिडल का नॉच आ गया है। अभी इस साइड पे हम छोटी छोटी प्लेट्स इस साइड पे लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों पीस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे भी जो सीम अलाउंस है वो ऊपर की साइड पे रहेगी, जो स्कर्ट का ऊपर का पार्ट है वहाँ पे रहेगी। इस तरह से हमें यहाँ पे भी टॉप स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से मैं आगे का और पीछे का दोनों पार्ट रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारा अस्तर का दोनों पीस रेडी हो गया है, और जो मेन फैब्रिक है उसके भी दोनों पीस ऐसे हमने रेडी कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अभी हमें इस तरह से रखना है, उसके ऊपर इस तरह से अस्तर को रखना है, और यहाँ से ऊपर से हमें इसे जॉइंट कर लेना है इस तरह से।
तो दोनों का मिडल नॉच हमें निकालना है, अस्तर का भी मिडल नॉच निकालेंगे और जो टॉप का फैब्रिक है उसका भी मिडल नॉच निकालेंगे। और यहाँ पे रॉन्ग साइड के ऊपर हमें इस तरह से अस्तर को ऊपर की साइड पे एक स्टिच करके अटैच करना है मिडल से, मिडल का नॉच मैच करते हुए। तो इस तरह से हमारे दोनों अस्तर के पीस मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेने हैं। ये देखिए मिडल से मिडल का नॉच हमारा मैच हो गया है। आप देख सकते हैं हमने दोनों पीस इस तरह से रेडी कर लिए हैं, ऊपर से अस्तर जॉइन कर लिया है। अब हमें यहाँ से एक साइड से ये दोनों स्कर्ट को जॉइन कर लेना है, दूसरी साइड पे हमें जीप लगानी है। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच करना है। तो स्टिच करने से पहले मैं अस्तर को जो फ्लेयर है वहाँ तक जॉइंट कर रही हूँ अस्तर के साथ ऊपर के फैब्रिक को, नहीं तो स्टिच के टाइम पे वो हिल जाएगा। तो जहाँ से हमारा फ्लेयर स्टार्ट होता है वहाँ तक हमें दोनों साइड पे इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम दोनों पीस को यहाँ से कमर के ऊपर से जॉइंट कर लेंगे, तो हमारे आगे के और पीछे के स्कर्ट इस तरह से एक साइड से हमें अटैच कर लेने हैं, स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ से जो हमारी स्टिचिंग लाइन है उसके ऊपर हमें स्टिच करना है। यहाँ से हमारा जॉइंट मैच होने चाहिए, आगे के और पीछे के दोनों फ्लेयर इस तरह से मैच करने हैं। इस तरह से हमारा जॉइंट मैच होना चाहिए। यहाँ पे आके फिर इसे इस तरह से थोड़ा टर्न करेंगे और चारों पीस को एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से, और दो इंच जितना हमें सिल लेना है यहाँ तक। यहाँ तक सिलने के बाद जो अंदर का पीस है, जो ओरिजिनल फैब्रिक है, उसको हम इस तरह से अंदर की साइड पे ले लेंगे। अब हम सिर्फ अस्तर को ही स्टिच करेंगे इस तरह से करके। अब हमें सिर्फ अस्तर ही स्टिच करना है, नीचे का फैब्रिक अब हम स्टिच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से स्टिच कर लेने के बाद हमें अस्तर को इस तरह से ऊपर के साइड पे निकाल के सिर्फ नीचे का फैब्रिक जो ओरिजिनल फैब्रिक है उसको इस तरह से अभी कर लेना है। और जहाँ तक हमने स्टिच की थी वहाँ से एक इंच ऊपर से अभी हमें अस्तर सिलना है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एकदम, आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हमें अभी जो ओरिजिनल हमारी फैब्रिक है टॉप का फैब्रिक उसका फ्लेयर हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से हमारा एक साइड का स्कर्ट अटैच हो जाता है, तो हमारा आधा स्कर्ट अभी सिल जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको आगे का साइड दिखा रही हूँ, यहाँ से हमने फ्लेयर को अटैच किया है, ये आप देखिए हमारा एक साइड सिल गया है पूरा ऊपर से लेके नीचे फ्लेयर तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इनविजिबल जिप को अटैच करते हैं दोनों साइड पे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जिप लगाना सीखेंगे इनविजिबल। फिर इस तरह से हम यहाँ का जो मेज़रमेंट है वो लेंगे और कैसे हमें राउंड बेल्ट कट करना है, इसमें हम राउंड बेल्ट कट करेंगे जहाँ ऊपर का और नीचे का वेस्ट का मेज़रमेंट अलग अलग है, और फिर कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं बेल्ट को, और फिर कैसे हम इसकी हेम रेडी करते हैं, नीचे का जो स्कर्ट है उसका हेम जो है वो किस तरह से हम रेडी करते हैं,
आप देखिए इस तरह से इसका हेम रेडी करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन सो यू कैन गेट नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।